हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल डिश जो बच्चों के लिए है। बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं। इसका नाम है मुरमुरे एंड गुड़ के लड्डू। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमको चाहिए 2 कप मुरमुरे, 2 टेबलस्पून करीब हमको घी चाहिए, 1 कटोरी हमें गुड़ चाहिए और थोड़े ड्राई फ्रूट्स चाहिए इन्हें बनाने के लिए। चलिए इनको बनाते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, उसमें अपने मुरमुरे थोड़े रोस्ट कर लेंगे। हमें हल्का फुल्का रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। ये हम अपने मुरमुरे अभी रोस्ट कर रहे हैं। अब ये हल्के फुल्के रोस्ट हो गए हैं तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। ये हमने घी ऐड किया है, अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे और इस गुड़ को हम थोड़ी देर तक, इतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। इसको चलाते रहिए, ये थोड़ा सा समय ले सकता है मेल्ट होने में। इसे इस तरीके से चलाते रहिए जब तक ये गुड़ मेल्ट ना हो जाए। थोड़ा सा समय ले सकता है ये मेल्ट होने में, पर ज़्यादा नहीं लेगा। इसको कंटिन्यूस चलाते रहिए, ध्यान रहिए जले ना। ये देखिए गुड़ अब हमारा एकदम मेल्ट हो गया है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये तैयार है या नहीं। इसके लिए हम इसकी कुछ बूंदें पानी में डाल के चेक करेंगे। ये हमने पानी में डाल लिया है। अब हम इस गुड़ की छोटी सी बॉल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर तो ये गुड़ हाथ में नहीं चिपकता है और बॉल आसानी से बन जाती है तो ये हमारा गुड़ एकदम तैयार है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको वापस से चलाते रहिए जब तक ये गुड़ तैयार ना हो जाए इस तरीके से। अब हम इसमें अपने मुरमुरे ऐड करेंगे। और इसको चलाएंगे। इसमें हम अपने जो ड्राई फ्रूट्स थे वो डाल देंगे और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। अब बस हमें इसके छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं। सबसे पहले हाथ पर थोड़ा सा घी लगा लीजिए ताकि ये हाथ में चिपके ना और आसानी से लड्डू बन जाए। और ये लड्डू बनकर इस तरीके से बना लीजिए और ये लड्डू बनकर तैयार है ऑलमोस्ट। ये हमारा लड्डू बन चुका है। ऐसे ही करके हम बाकी के मिक्सचर से भी लड्डू बना लेंगे। अब हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं, खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।